आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कमलनाथ चले योगी आदित्यनाथ की राह, बदलेंगे कलेक्टर का नाम। मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने एस आर मोहंती, 1982 बैच के हैं आईएएस अधिकारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिले अजीत जोगी, बघेल ने नहीं दी तवज्जो। केंद्रीय मंत्री उमा भारती का बयान, मोदी योगी के रहते मंदिर निर्माण नहीं हुआ तो जनता को लगेगा सदमा। और दीपिका ने जीता बिग बॉस, श्री संत रहे दूसरे स्थान पर। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अनुसरण कर रहे हैं और वे अब कलेक्टर के नाम बदलने जा रहे हैं। कलेक्टर नाम से उन्हें अंग्रेजियत की बू आती है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार अपने क्षेत्र छिंदवाड़ा पहुंचे कमलनाथ ने सोमवार सुबह अधिकारियों के साथ बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारी अपनी गरिमा बनाए रखें। पुलिस अधिकारियों से बोले कि वे अपनी वर्दी की इज्जत बनाकर रखें। कमलनाथ ने पत्रकारों से चर्चा में कहा, मैं घोषणा नहीं करता, पत्थर लगाने से या फीता काटने से कुछ नहीं होता। प्रदेश में कलेक्टरों के नाम बदलेंगे क्योंकि अंग्रेजों के टाइम से ये नाम चले आ रहे हैं। सीएम ने कहा कि मैंने इस मामले में खुद कलेक्टरों से पूछा कि आपके पद का नाम क्या रखा जाए। सुझाव मंगाए कि ये कलेक्टर का अंग्रेजों के समय से नाम चल रहा है, तो मैंने कहा ये क्यों कलेक्टर है इसका? तो यहाँ से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। मैंने कलेक्टरों से ही कहा है कि मुझे क्या नाम होना चाहिए, आप कमिश्नर और कलेक्टर नाम चुने, डीसी डीएम जो भी वो डीसी मैंने चाहता, डिप्टी कमिश्नर क्या होता है। हाँ, तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हो, कोई ऐसा नाम हो जो आज के जमाने के लिए सही है। उन्होंने फिर दोहराया कि मैं कोई घोषणा और वादा नहीं करूंगा। मैंने छिंदवाड़ा में हाईवे बनाया और ट्रेन चलवाई, लेकिन ना तो इसका कभी उद्घाटन किया और ना ही इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि काम होगा तो सभी को पता चल जाएगा। इसके बाद उन्होंने सीसीटीवी सेंटर का उद्घाटन किया। एसआर मोहंती मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने उनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। इसी के साथ उनके नाम को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लग गया। वे बीपी सिंह का स्थान लेंगे। सिंह आज ही रिटायर हो रहे हैं। कमलनाथ सरकार ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए एसआर मोहंती को मुख्य सचिव बना दिया। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से प्रशासनिक सर्जरी जारी है। कांग्रेस के सत्ता में आते ही अटकलें थीं कि एसआर मोहंती प्रदेश के नए मुख्य सचिव होंगे, लेकिन इसे लेकर पिछले कई दिनों से सिर्फ चर्चाएं थीं। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को उनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। मोहंती वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष हैं। उनके अलावा एम गोपाल कृष्ण रेड्डी, मनु श्रीवास्तव और मोहम्मद सुलेमान के नाम भी मुख्य सचिव की दौड़ में थे, लेकिन मोहंती के नाम पर मोहर लगी। 1982 बैच के आईएएस ऑफिसर मोहंती वर्तमान मुख्य सचिव सिंह से वरिष्ठ हैं, लेकिन उनके खिलाफ ईओडब्ल्यू की जांच जारी होने के कारण भाजपा सरकार ने उन्हें मुख्य सचिव न बनाते हुए बीपी सिंह को मुख्य सचिव बनाया था। हालांकि मोहंती को कुछ समय पहले ही ईओडब्ल्यू की जांच में क्लीन चिट मिल गई थी। इसके बाद से उनका मुख्य सचिव बनना तय था। मोहंती को कांग्रेसी नेताओं के करीबी होने का फायदा मिला है। उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से अच्छे संबंध हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शिष्टाचार मुलाकात की, लेकिन बघेल ने जोगी को ज्यादा भाव नहीं दिया। जोगी ने पेंड्रा मनेन्द्रगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा मनेन्द्रगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने भूपेश बघेल से मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात को बघेल ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, जिसके बाद जोगी थोड़ा खिन्न नजर आए। जोगी ने कहा, हम उन्हें
उनके घोषणा पत्र का स्मरण भी कराएंगे। जोगी ने कांग्रेस से किसी भी किस्म के गठबंधन की संभावना से इनकार किया और कहा हमारा गठबंधन पहले से ही बसपा से है। मुख्य विषय बैंड्रा और मनिंगढ़ चंदेरी को जिला बनाने के मांग से संबंधित है जो उनके घोषणा पत्र में भी शामिल किया है। अजीत जोगी और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ ये मुलाकात बेहद रूखी और असामान्य रही। भूपेश बघेल के कारण ही अजीत जोगी को पार्टी छोड़नी पड़ी थी। केंद्रीय स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री उमा भारती ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री और आदित्यनाथ योगी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते यदि मंदिर नहीं हो पाता है तो यह जनता के लिए सबसे बड़ा सदमा होगा। उन्होंने कहा सरकार बनाना किसी का पेटेंट नहीं, सरकार गिराने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं, संभालने के लिए कांग्रेस को ही प्रयास करना होगा। जनहित पर कुठाराघात हुआ तो जरूर हम लाठी लेकर खड़े हो जाएंगे। भोपाल में उमा भारती ने अनेक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात कही। राम मंदिर को लेकर हुए सवाल पर उन्होंने दोहराया कि मोदी योगी के रहते मंदिर का रास्ता निकलना चाहिए, यदि ऐसा नहीं हुआ तो देश की जनता के लिए बड़ा सदमा होगा। भले ही एक्ट बनाए लेकिन मंदिर का रास्ता बातचीत और सामंजस्य से ही निकलेगा। आरएसएस को लेकर सवाल पर वह बोली कि हिंदुत्व सरकारी एजेंडा नहीं है, जब तक महिलाओं की मांग में सिंदूर रहेगा तब तक हिंदुत्व कायम रहेगा। कि मोदी जी प्रधानमंत्री हों और योगी जी मुख्यमंत्री हों और फिर भी मंदिर के निर्माण का रास्ता ना निकले तो लोग इस बात से आश्चर्यचकित होंगे कि हम रास्ता क्यों नहीं निकाल सके। मध्य प्रदेश में भाजपा की चुनावी हार और कांग्रेस सरकार के भविष्य को लेकर हुए सवाल पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की कुंडली हम नहीं बनाएंगे, सरकार गिराने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें स्वयं को अपने कामकाज से जनहितैषी साबित करना होगा, उन्हें स्वयं ही संभलना होगा, हम उनके फटे में टांग नहीं अड़ाएंगे, लेकिन जनहित पर कुठाराघात हुआ तो हम लाठी लेकर खड़े हो जाएंगे। कमलनाथ सरकार में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के किसान को तब बिजली कनेक्शन मिल पाया जब उसने कलेक्टर के पैरों में अपना सिर रख दिया। शिवपुरी जिले की कोलारस तहसील के रन्नौद इलाके में रहने वाले किसान अजीत जाटव ने ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली कनेक्शन के लिए राशि 6.5 महीने पहले ही जमा कर दी थी, मगर उसे कनेक्शन नहीं मिल पाया जिससे उसकी फसल खराब हो गई। किसान ने जब अपना सिर कलेक्टर के पैरों में रखा तब उसकी समस्या का निराकरण हो पाया। नई सरकार में भी सबसे ज्यादा फजीहत किसान की हो रही है और किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। शिवपुर में एक किसान को हक पाने के लिए कलेक्टर अनुग्रह पी के पैरों पर सिर रखना पड़ा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामले ने तूल पकड़ा तो प्रशासन हरकत में आया और रविवार को किसान अजीत जाटव को 5 हॉर्स पावर के पंप के लिए बिजली कनेक्शन दे दिया गया। मुख्यमंत्री कृषक अनुदान योजना में कृषक अजीत जाटव द्वारा 5 अश्वशक्ति के पंप कनेक्शन लेने हेतु 14 अगस्त 2018 को राशि जमा करवाई गई थी, लेकिन जब उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई तो वह हाथ में बर्बाद हुई फसल लिए हुए कलेक्टर के दफ्तर जा पहुंचा। उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। उसका दर्द है कि बिजली ना होने से उसकी फसल बर्बाद हो गई। उसने ट्रांसफार्मर बदलकर बिजली कनेक्शन दिए जाने के लिए 6 माह पहले ही राशि जमा करा दी थी, उसके बावजूद उसे कनेक्शन नहीं मिल पा रहा था। इस वायरल वीडियो से पता चल रहा है कि कार्यालय से बाहर निकलती अनुग्रह पी के पैरों पर किसान अपना सिर रखता हुआ गिड़गिड़ाते हुए कह रहा है कि बहन जी मेरी सुन जाओ, मगर कलेक्टर उसकी बात नहीं सुनती और कार में जाकर बैठकर चली जाती हैं। तभी एक नेता कलेक्टर की कार के करीब आता है तो कलेक्टर अपनी कार का कांच खोलती हैं और वह नेता उन्हें पानी संबंधी समस्या बताता है। उस नेता के पीछे खड़ा किसान अजीत अपना दुखड़ा सुनाता है, तब कहीं जाकर कलेक्टर उसकी बात सुनती है और जांच की बात कहने के बाद आगे बढ़ जाती है।
मुख्यमंत्री कमलनाथ के राज की शुरुआत में जब ये हाल है तो आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। एटीएम से क्लोनिंग के जरिए रकम उड़ाने वाले एक इंटर स्टेट गिरोह का बिलासपुर पुलिस ने पर्दाफाश किया। इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं मुख्य आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। छत्तीसगढ़ सहित देश के कई राज्यों में अपना नेटवर्क फैलाकर क्लोनिंग के जरिए ये लोग एटीएम में कार्ड रीडर लगा देते हैं। लोग जैसे ही पिन कोड एटीएम में अंकित करते हैं वैसे ही वो उस कार्ड रीडर में छप जाता है और उसकी मदद से ये गिरोह इस कोड से लोगों के एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं। पुलिस को इस गिरोह को पकड़ने में एक बड़ी सफलता मिली है। इस गिरोह के सभी लोग उड़ीसा के रहने वाले हैं। इस गिरोह का मुख्य आरोपी सिविल इंजीनियर है जो अभी पकड़ से बाहर है। एटीएम क्लोनिंग में संलग्न एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो कोरबा थाना और साइबर सेल की टीम द्वारा 5 ऐसे आरोपियों को पकड़ा गया है जो व्यावसायिक रूप से एटीएम की क्लोनिंग करता था और क्लोनिंग करके पैसे आर्जित करता था। इस तरह से 7 शिकायतें टोटल प्राप्त हुई थी, जिसमें 5 में FIR हुए हैं और 2 में FIR शीघ्र होंगे। और ये एटीएम जो शहर के आउटर में होते थे इसमें गार्ड नहीं होता था, उसमें ये क्लोनिंग डिवाइस लगाते थे, वहाँ से एटीएम की सारी जानकारी रीड कर लेते थे। उसके उपरांत ये जानकारी को ये मैग्नेटिक टेप में ट्रांसफ़र करके उससे एटीएम बनाते थे, क्लोन करते थे और पासवर्ड को यूज़ करके पैसे का आहरण करते थे। लगभग 2.5 लाख के आसपास का आहरण 5 अलग अलग शिकायतों में हुआ है, उसे प्रथम सूचना पत्र दर्ज है। इस ग्रुप द्वारा रायगढ़, दुर्ग और धमतरी तथा मुंबई अलग अलग समय में जाकर रेकी करके वहां भी घटना किया जाना कबूल किया है। विस्तार से इनसे पूछताछ की जाएगी। पकड़े गए लोगों के पास से 20 मोबाइल, 12 एटीएम, एक मारुति कार, बैंक पासबुक, स्विमर डिवाइस कार्ड रीडर, पिन होल कैमरा, सीसीटीवी रिकॉर्डर और 30,000 रुपए का कैश मिला है। इस ग्रोह के खिलाफ बिलासपुर के तोरवा और कोतवाली में इनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस के अनुसार इस गैंग के खिलाफ और भी शिकायत आने की संभावना है। राजपुरा की लड़कियों ने शानदार खेलते हुए खो खो प्रतियोगिता जीत ली। समृद्धि परियोजना के तहत हुई इस खो खो प्रतियोगिता में 150 टीमों ने भाग लिया था। बिजावर में भोपाल की धरती संस्था के जरिए समृद्धि परियोजना के तहत किशोरियों की खो खो प्रतियोगिता का आयोजन मंगल भवन मैदान में किया गया, जहां राजपुरा की लड़कियों ने बाजी मार ली। समृद्धि परियोजना के अंतर्गत किशोरियों को शारीरिक रूप से शक्तिवान बनाने के लिए उद्देश्य से खो खो प्रतियोगिता का आयोजन 150 ग्रामों में किया गया और 150 ग्राम के बाद क्वार्टर फाइनल के बाद सेमीफाइनल और सेमीफाइनल के बाद आज फाइनल मैच प्रोजेक्ट स्तर पर किया गया, जिसमें 4 टीमें आई हैं और चारों टीमों में 2 सेमीफाइनल हुए, 1 फाइनल हुआ और जिसमें राजापुर की टीम विजयी हुई। खासतौर से किशोरियों को आगे लाने के उद्देश्य से समृद्धि परियोजना काम कर रही है। जी, समृद्धि परियोजना से संबंधित था, इसमें हम लोगों ने 150 गांव में से जीत के आए हैं और आज यहां तक आ पाए हैं, इससे हम बहुत खुश हैं। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में तहसीलदार रामहित साहू थे। प्रतियोगिता में ब्लॉक की 150 टीमों का हराकर 4 टीमों ने परियोजना स्तर के खेल में भाग लिया, जिसमें राजापुर पिपट, डिकोली और देवरा गांव की किशोरियों के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें राजापुर की टीम विजयी रही। बाद में मुख्य अतिथि ने सभी किशोरियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। रेलवे स्टेशन पर अगर रेलवे ही आम रास्ता बंद कर दे तो लोग क्या करेंगे? ऐसा ही कुछ हुआ है गाडरवाड़ा में, जहां रेलवे प्रबंधन ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर टीन की बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी है, जिससे प्लेटफॉर्म से बाहर जाने के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। गाडरवाड़ा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को स्टेशन से निकालने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्री अपनी जान पर खेलकर बाहर निकलने को मजबूर हो रहे हैं। रेलवे प्रबंधन ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर टीन की बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी है, जिससे प्लेटफॉर्म से बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया है। इस कारण कई यात्री दुर्घटना का शिकार भी हो रहे हैं।
यहां से निकलने के लिए रेलवे ने कोई भी अतिरिक्त विकल्प यात्रियों को नहीं दिया है। इस बारे में जब स्टेशन प्रबंधक हनुमान सिंह से दखल न्यूज संवाददाता ने चर्चा की तो उनका कहना है कि वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। रेल अधिकारियों के लचर रवैये और लापरवाही से आम यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संत हिरदाराम नगर में नए साल का सेलिब्रेशन शुरू हो गया। मलयालम एसोसिएशन ने इसकी शुरुआत की। संत नगर में यूनाइटेड मलयालम एसोसिएशन ने 35वां क्रिसमस एवं न्यू ईयर का सेलिब्रेशन किया, जिसमें सभी धर्म के लोगों को इसमें एकत्रित किया गया। कार्यक्रम में मंच पर कांग्रेस नेता नरेश ज्ञानचंद्रानी व कांग्रेस के पार्षद अशोक मारण, क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल के संस्थापक मनीष मैथ्यू, अनिल नायर, कैप्टन के जे कुरियन और तुलसी धरन मंच पर मौजूद रहे। आज यहां पर यूनाइटेड मलयाली एसोसिएशन केरल समाज की ओर से हम लोग क्रिसमस का आयोजन किया गया है। उसके साथ साथ यूनाइटेड मलयाली एसोसिएशन आज 35 साल का उनका स्थापना दिवस भी, उसके साथ साथ नववर्ष की भी कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस अवसर पर हम लोग ने पूरा भोपाल से सब लोग यहाँ पर कार्यक्रम के लिए आया है, जो भी हमारा केरल से भी लोग यहाँ पर उनका जो गाना और म्यूजिकल प्रोग्राम भी यहाँ पर चलेगा। उसके बाद आज हम लोग ये क्रिसमस का जो केक वो भी यहाँ पर काटेंगे। इस सेलिब्रेशन में सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सेलिब्रेशन कार्यक्रम में मलयाली समाज के बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। यहां सभी ने एक दूसरे को क्रिसमस और नववर्ष की बधाई दी। छत्तीसगढ़ के रतनपुर में एक ही परिवार के 5 लोग जहर खुरानी का शिकार हो गए, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई और 2 का इलाज चल रहा है। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। रतनपुर के नेवासा गांव में सत्तू साहू के घर पर जहर खुरानी की वारदात हुई। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। कोल वाशरी में काम करने वाला सत्तू सुबह जब ड्यूटी कर घर वापस आया तो घर का दरवाजा बंद था। जब घर के भीतर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो घर की दीवार कूदकर वह अंदर पहुंचा तो देखा कि घर के सभी सदस्य मूर्छित हालत में पड़े हुए थे। ये इस पार्ट देखने से पता चलता है कि लोग एक ही बिस्तर में ही सो रहे थे। कुछ खाना उना खा करके, जो भी खा करके बिस्तर में गिरा पड़ा है और उसी सोए सोए हालत में लोग बेहोश हुए हैं। उसमें 3 लोगों का, एक गुलाबा साहू है उम्र 60 वर्ष की और निकिता साहू, पिता सत्तूराम साहू 16 वर्ष की, नीलम साहू पिता सत्तूराम साहू 12 वर्ष की, ये बिस्तर में ही मृत अवस्था में पड़े हैं। और इन्हीं के साथ सत्तू की पत्नी प्रस्तुति साहू और उसका लड़का विकास कुमार साहू, ये लोग घायल हैं जिन्हें इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। अभी तो स्तर पड़े हैं, वरिष्ठ अधिकारियों के इंतजार में मैं हूँ। अभी उनके आने पर पंचनामा कार्रवाई किया जाएगा, जांच उपरांत जैसा भी उसका खुलासा होता है आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। इस घटना में सत्तू के 3 परिजनों की मौत हो चुकी थी और उसकी पत्नी और बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे उसने तुरंत पड़ोसियों की मदद से रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपुर रेफर कर दिया गया। प्रारंभिक जांच में यह मामला जहर खुरानी का लगता है। पुलिस इस घटना की तफ्तीश कर रही है। कवर्धा में ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे एक महिला और बच्चे की मौत हो गई। इस घटना से नाराज ग्रामीणों ने ट्रक में आग लगा दी। तेज रफ्तार ट्रक ने कवर्धा में एक महिला व बच्ची की जान ले ली। लोहारा थाना अंतर्गत ग्राम तालपुर के पास धान से भरे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को जबरदस्त टक्कर मारी, जिससे मौके पर एक महिला व बच्ची की मौत हो गई, वहीं बाइक चालक घायल है। इस घटना के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया तो गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक को आग लगा दी। बिग बॉस 12 के विनर की घोषणा ग्रैंड फिनाले के दौरान सलमान खान ने की तो सभी दर्शकों की धड़कनें रुक सी गईं। इस बार ये खिताब दीपिका कक्कड़ इब्राहिम ने जीता है। नंबर 2 पर श्रीसंत रहे दीपिका को पुरस्कार के रूप में 30 लाख रुपए की राशि मिली। दीपिका ने सूझबूझ से ये खेल खेला और विनर की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। उन्हें ऑनलाइन चली वोटिंग में सबसे ज्यादा वोट लोगों ने वोट किए।
बिग बॉस विनर दीपिका की देश भर में बड़ी फैन फॉलोइंग है। टॉप फाइव के लिए 1 करोड़ से ज्यादा दर्शकों ने वोट किया। इस शो में रोमिल चौधरी, करणवीर और दीपक ठाकुर पहले ही बाहर हो गए थे। इसके बाद मुकाबला टॉप टू में हो गया, लेकिन शो में एक मौका ऐसा भी आया जब होस्ट सलमान खान ने तीनों फाइनलिस्ट दीपिका, श्रीसंत, दीपक ठाकुर को ट्रॉफी छोड़कर पैसे चुनने का ऑफर दिया। ये टास्क सलमान ने तीनों सदस्यों के सामने रखा और कहा, जो भी जाना चाहता है वो बजर दबाए और पैसों के लिए शो छोड़ दे। इस टास्क में बिहार के दीपक ठाकुर ने बजर दबाया और शो छोड़ दिया। दीपक ने घर से निकलकर अपने इस फैसले के बारे में पहली बार बातचीत की। दीपक ठाकुर ने कहा, मेरा मुकाबला आखिर में श्रीसंत और दीपिका जी से था। मुझे मालूम था दोनों ने अपने काम की बदौलत बहुत नाम कमाया है। यही वजह है मुझे 80% उम्मीद थी कि मैं जीत सकता हूं। मैंने खुद पे बहुत यकीन रखा था और जैसा कि आपने कहा कि मैं एंट्री एपिसोड में भी मैंने ये चीज बोली थी कि मैं सामने से जाके बेफालतू में किसी से लड़ने वालों में से नहीं हूँ। हाँ, कोई मुझे परेशान करेगा तो वापस खाएगा। मैं चुपचाप बैठने वालों में से नहीं हूँ। तो जिस किसी ने मुझे कभी परेशान किया, आई हैव गिवन इट बैक। जहां भी मुझे लगा मुझे यहाँ बोलना जरूरी है, मैंने बोला है। मैंने अननेसेसरी चप 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 नहीं किया, वो चीज मैंने मेंटेन किया, क्योंकि मैं रियल लाइफ में भी ऐसी हूँ। तो मेरा इस घर में पूरी जर्नी का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मुझे दीपिका को मेंटेन करके रखना है। लेकिन अंदर कहीं पता था सामने वाला मुझसे ज्यादा पावरफुल है। हाँ, अगर बात सिर्फ मेरी होती तो मैं फिर पैसों को नहीं चुनता, लेकिन मालूम था मेरे परिवार की माली हालत ठीक नहीं है। परिवार का ख्याल और जिम्मेदारी थी, इसीलिए आखिर में पैसों को लेकर शो को छोड़ना ही सही लगा। दीपक ने कहा, अपने फैसले से मुझे बहुत खुशी है। पूरा यकीन है कि मेरा परिवार और मेरा गांव इस फैसले के साथ है। बता दें, दीपक ठाकुर के शो छोड़ने के फैसले को सलमान खान ने भी सराहा। उन्होंने दीपक को बताया, आप वोटिंग के हिसाब से तीसरे नंबर पे थे, ऐसे में आपने जो चुनाव किया वो समझदारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।